वेलकम हियर। ट्यूसडे है, बजरंगबली के दिव्य संदेश। चलिए देखते हैं आज के संदेश में बजरंगबली आपके लिए क्या कहते हैं। छम छम बोले देख, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं इसको राम का दीवाना, भक्तों में भक्त है दुनिया ने जाना। चम चम जय बजरंगबली। गाइस, बजरंगबली जी कहते हैं कि आपके रिश्ते के ऊपर डिवाइन की बहुत कृपा है। जैसे राम सीता को लेने हनुमान जी का साथ था, इसीलिए मेरा भी पूरा साथ है आपके रिश्ते के लिए। आप लोग दिल से जुड़े हो, इमोशनल जुड़े हुए हो, तो मैं आपका साथ पूरा दूंगा। और आपके रिश्ते में प्यार भरी शुरुआत अगर ख़त्म हुई थी तो दोबारा से होगी, नहीं तो अच्छे से होगी। अब दोबारा से शुरू होने वाली है, यानी कि जय बजरंगबली। बजरंगबली जी कहते हैं आपकी लाइफ में लगता है कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिसका आप वेट कर रहे हो। बड़ा प्यारा सा होगा, फैशनेबल होगा, रोमांटिक होगा और थोड़ा सा ऐसा होगा भोला भाला। उस पर्सन की भोलेपन पे ही आप फिदा हो जाओगे। और रोमांटिक तो है जो है, इसलिए इस पर्सन को आपको बड़े प्यार से और बड़े हिसाब से संभालना होगा। हो सकता है ये छोटी छोटी चीज़ों से पीछे हटे। आप किसी ऐसे दोस्त का, रिलेशन का, प्यार मोहब्बत का इंतज़ार कर रहे हो, तो हो सकता है बजरंगबली जी कह रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर में आपके साथ आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आ जाएं और आपको हैप्पी न्यू ईयर आके बोले। क्योंकि आपके पुराने दोस्त मिलने वाले हैं और आपकी जो रिश्ते में है बॉन्डिंग और बढ़ने वाली है। बजरंग बली जी कहते हैं आप बहुत दुखी और परेशान हो, आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अंदर से बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, चाहे वो कोई जॉब हो सकती है, प्रॉपर्टी या कैरियर या कोई रिलेशनशिप। तो आप इतने दुखी हो, आपने बिल्कुल हिम्मत हार दिया है। इस वक्त ज़रूरत है आपको मेडिटेशन की, अपने आप को हील करने की। सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए, फिर चीज़ों को बैलेंस लीजिए, तो अपने आप सोल्यूशन निकल आएगा। जय बजरंगबली। बजरंगबली जी कहते हैं आप जिसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी चीज़ को लेके आपका बवाल पड़ा हुआ है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कोई कोर्ट केस हो, ट्रस्ट इशू चल रहा है। जब तक आप उन चीज़ों की बैठ के क्लैरिटी नहीं दोगे, वो चीज़ें नहीं सुधरेगी। हो सकता है सामने वाला चीटर हो, लेकिन आपको पूरी तरह क्लैरिटी के लिए बैठ के हर चीज़ और कनेक्शन कलेक्शन इकट्ठा कीजिए और सब चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। बजरंगबली जी कहते हैं आप किसी वजह से अपने पर्सन से ज़्यादा दुखी होने की वजह से आप में से कुछ लोगों ने अपने आप से हिम्मत छोड़ दी है। आप ऐसे बैठे रहते हो जैसे दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो गया है, जीने की तमन्ना ही नहीं रही। तो बजरंगबली जी कहते हैं ऐसे रोने धोने से ज़िंदगी नहीं निकलती। अगर वो पर्सन चला गया है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं। इसलिए उठिए, अपने आप को दोबारा से हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। अगर इतना प्यार करते हो तो वो पर्सन एक बार फिर आपकी ज़िंदगी में आएगा।
जय बजरंगबली। बजरंग बली जी कहते हैं, आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, लगता है आपको किसी ने बहुत बुरी तरह धोखा दिया है, बिजनेस में या रिश्ते में या फाइनेंस में कहीं भी, इसलिए आपको रातों को नींद नहीं आती और आपका दिल जो है अंदर से बहुत रोता है, आप अंदर से कमज़ोर से होते जा रहे हो। तो वो ये कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका सलूशन ना हो, इस चीज़ का भी सलूशन है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखिए तो आपको लगेगा कि इतना बड़ी कोई चीज़ नहीं है जितनी बड़ी आपने दिल पे लगा रखी है। हर चीज़ का सलूशन है, लेकिन उससे पहले अपने आप को मेडिटेशन करके अपना ब्रेन को संतुलित कीजिए। अंत भला तो सब भला। बजरंग बली जी कहते हैं, आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आपकी फैमिली भी काफ़ी पॉजिटिव है, बीच में थोड़े से खटपट या मनमुटाव चलते हैं फाइनेंस के लिए, पर अपनों के साथ जीने का मज़ा ही अलग है। अगर आपको फाइनेंस को लेके या फैमिली को लेके कोई भी इशू है तो उसके लिए आपने अग्रेसिव नहीं होना, प्यार से बैठ के समस्या सुलझानी है, क्योंकि आपका परिवार भले ही खटपट ज़्यादा करता है लेकिन दिल का इतना बुरा नहीं है। पॉजिटिव लोग मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। ये आपकी अपनी फैमिली है, ये आपकी अपनी समस्या है, प्यार से सुलझ जाएगी। तो ये थे आज बजरंग बली के दिव्य संदेश। अगर ये आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय माता दी और जय बजरंग बली।